हेलो फ्रेंड, रुसिक्ति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खोए के पेड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले पेड़े तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये मात्र 10 मिनट में बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पेड़ों को बनाने के लिए हमें चाहिए है 400 ग्राम मावा। ये मैंने 400 ग्राम मावा लिया है और 400 ग्राम मावा के हिसाब से आपको चाहिए होगी 150 ग्राम चीनी। मेजरमेंट सही से करिएगा तो पेड़े आपके भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं चाशनी तैयार करूंगी, तो इसके लिए मैं चीनी डाल दूंगी। और इसमें आधी कटोरी पानी, अब इसको घुलने देंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसको चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि चाशनी पकना प्रारंभ हो गई है। अब इसकी हम एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। अभी चाशनी को थोड़ी देर पकाएंगे और जब ये एक तार की हो जाएगी तब आगे प्रोसेस करेंगे। अब इसको पकते पकते 4 से 5 मिनट हो चुका है, तो अब इसको चेक करेंगे और आप देखेंगे कि ये एक तार की चाशनी इसमें बन गई है। इस तरीके से आप चेक करिएगा तो एक तार आ रहा है। तो इसी समय अब इसमें हम मावा डाल देंगे। यदि आपका मावा टाइट है, मार्केट वगैरह का होता है तो वो थोड़ा टाइट होता है, तो आप उसको कद्दूकस से ग्रेट करके डालिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर लेना है। इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसकी सारी ये जो गांठें हैं ये इसमें घुल ना जाएं, सारी गांठों को खत्म कर लेना है। ये पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीनी और खोया आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब कोई गांठ वांठ नहीं है इसमें, तो अब इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से इसको लगातार चलाते जरूर रहे, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है। अभी कुछ समय बाद अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, हरी इलायची। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफी हद तक बदल चुका है। तो अब ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल समट करके एक तरफ आने लगा है। तो अब इसको हम इतना ही पकाएंगे और गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल करके इसको ठंडा होने तक इसका हम वेट करेंगे।
कढ़ाई में रखा बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो फिर ये और ज्यादा जल सकता है, इसलिए इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है और इसको अब ठंडा कर लेंगे, लगभग आधा घंटा लगेगा इसको ठंडा करने में। तो फ्रेंड्स अब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये अब कितना टाइट सा हो गया है, तो अब इसके पेड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, पेड़ा आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कोई भी साइज का बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें पेड़े का शेप दे रही हूं। इसी तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि इसका डिजाइन काफी सुंदर लगने लगता है। ये फ्रेंड्स इतना बढ़िया पेड़ा बने हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाथ घी से लबालब हो गया है और इसमें मैंने घी का इस्तेमाल कहीं नहीं किया था। तो जब ये मुंह में आपका जाएगा तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले पेड़े तैयार होंगे, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये पेड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं, आप चाहें तो आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। और मैं इनमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए थोड़े से मैंने पिस्ते के टुकड़े ले लिए हैं और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, तो इससे मैं इनकी गार्निशिंग कर दूंगी जिससे कि इनका लुक देखने में काफी बेहतर लगेगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।